वेलकम बैक चिल्ड्रेन एज यू ऑल नो दैट वी आर डूइंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विलव इन असाइटी एंड टू बी हैप्पी एंड टू डू आर वर्क प्रॉपरली वी नीड टू टॉक टू ईच अदर अगर हम किसी से बात ना करें तो हम बोर और अनहैप्पी हो जाएंगे और बिना बात किए हमारा काम भी नहीं चलेगा सो चिल्ड्रेन हाउ डू वी कम्युनिकेट विद आर नियर एंड डियर वंस लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल चीकूज फैमिली लिव्स इन शिमला एंड हिज आंट्स फैमिली लिव्स इन गोवा सो चिल्ड्रन हाउ विल दे कम्युनिकेट और सेंड एंड रिसीव मैसेजेस? यस, दे कैन यूज़ मोबाइल टेलीफोन लेटर्स एंड ईमेल टू टॉक टू ईच अदर तो हम डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करके दूसरे सिटी विलेज या कंट्री में बैठे अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड से आसानी से बात कर सकते हैं चिल्ड्रेन डू यू नो इन अर्लियर डेज वी यूज टू राइट लेटर ऑन अ पोस्ट कार्ड और ऑन अ पेपर एंड वी यूज टू सेंड इट थ्रू द पोस्ट पहले हम दूर बैठे अपने रिलेटिव से बात करने के लिए लेटर लिख कर उसे पोस्ट करते थे लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी पोस्ट अ लेटर आइए समझते हैं कि हम लेटर कैसे पोस्ट करते हैं इफ़ वी वॉन्ट टू पोस्ट एनी लेटर फर्स्ट वी राइट आर मैसेज ऑन अ पेपर एड्रेस ऑन दट एनवेल हम जिसके पास लेटर भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस लिफाफे के ऊपर लिखते हैं देन वी बाय अ स्टैम्प फ्राम द पोस्ट ऑफिस एंड हम इस स्टैम्प को एनवेल के ऊपर राइट साइड पर स्टिक कर देते हैं देन वी ड्रॉप आर लेटर इन द लेटर बॉक्स लेटर बॉक्स को हम पोस्ट बॉक्स या मेल बॉक्स भी कहते हैं चिल्ड्रन लेटर को पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता था सो वेन पोस्ट ऑफिस स्टार्टेड अर्जेंट मैसेजेस वर सेंट बाय अ टेलीग्राम अर्जेंट मैसेजेस के लिए हम टेलीग्राम का यूज करते थे मैसेजेस इन अ टेलीग्राम हैड टू बी शॉर्ट एंड इट वॉज टू एक्सपेंसिव ऑल्सो क्योंकि टेलीग्राम में लिखे हर वर्ड के लिए हमें मनी पे करना पड़ता था सो so, जितने ज़्यादा वर्ड्स उतने ज़्यादा मनी चिल्ड्रन अ टेलीग्राम इज़ अ रिटर्न मैसेज विच वी यूज टू सेंड यूजिंग एन इलेक्ट्रिक डिवाइस जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक वायर को यूज करके मैसेजेस भेजते थे और टेलीप्रिंटर की हेल्प से मैसेज का प्रिंट आउट लेकर उसे मैसेज जिसके पास भेजना है उसे दे दिया जाता था चिल्ड्रन अर्लियर एनिमल्स लाइक दूसरी जगह ले जाने के लिए कबूतरों का उपयोग होता था डू यू नो कैरिंग मैसेजेस इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वेरियस मींस ऑफ कम्युनिकेशन विच वी यूज इन द मॉडर्न टूडेज वर्ल्ड आर कॉल्ड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिन्हें हम आजकल यूज़ करते हैं उन्हें मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं चिल्ड्रन दीज डेज वी कैन सिंपली कम्युनिकेट विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स यूजिंग मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन मोबाइल फैक्स एंड ई मेल बाई मेकिंग अ फोन कॉल वी कैन स्पीक टू आवर फ्रेंड्स विद इन अ मिनट अगर हमारा फ्रेंड दूर अमेरिका में भी हो तो भी हम फोन की हेल्प से उससे एक मिनट से भी कम समय में बात कर सकते हैं पीपल सिटिंग इन ऑफिस कैन अ रिटर्न मैसेज यूजिंग फैक्स एंड ई मेल फ्राम देयर कंप्यूटर बिना कहीं गए ऑफिस में बैठे बैठे ही लोग रिटर्न मैसेजेस, फैक्स एंड ई से कहीं भी भेज सकते हैं

सो दे आर कॉल्ड पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सो चिल्ड्रन ऐसे मींस ऑफ कम्युनिकेशन जिनका यूज हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं उन्हें पर्सनल ऑफ़ कम्युनिकेशन कहते हैं जैसे मोबाइल ई मेल टेलीफोन लेटर एटसेट्रा नाउ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर यूज टू कन्वे मैसेजेस टू मैनी पीपल एट द सेम टाइम आर कॉल्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन जब हमें एक मैसेज बहुत सारे लोगों को एक साथ बताना होता है तब हम जिन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करते हैं उन्हें मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कहते हैं जैसे टेलीविजन न्यूज़पेपर, रेडियो मैगजीन आइए एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों जब कोई नई मूवी रिलीज होने वाली होती है तो उसका एडवर्टीजमेंट टीवी, रेडियो न्यूज़पेपर आदि में आता है जिससे हम सबको बहुत सारे लोगों को ये पता चल जाता है कि वो मूवी कब आने वाली है और हम कब जाके उसे देख सकते हैं चिल्ड्रन मास मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल या बहुत सारे लोग आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल थैंक यू चिल्ड्रन हैव अ नाइस डे